लेट्स स्टार्ट। ये हमारा ऑप्टिक्स वन यूनिट थ्री इंटरफेरेंस, इस सीरीज में थर्ड लेक्चर है हमारा ये, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट बाय फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म। अभी तक हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि भाई फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म क्या है और उससे हम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और वो अक्सर पूछा जाता है। और ये आज जो है कि उससे थिकनेस कैसे निकालते हैं, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट बाय ए फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म। तो इसका एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, वो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड से और पढ़ते हैं उसको। तो ये है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट यूजिंग फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म, यानी ये एक फ्रेसनल बाय प्रिज्म है जिसकी मदद से एक शीट है हमारे पास, कोई ट्रांसपेरेंट शीट है जिसकी हमें थिकनेस निकालनी है, ठीक है। तो ये अब पुराने अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा या प्रीवियस वीडियोस में आप देख लेना, एक यहाँ पर सोर्स होता है, उसके बाद सोर्स से ओ, ये हमारी एक डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, और वो फ्रेसनल बाय प्रिज्म का इमेज था कि भाई जब जैसे सोर्स से लाइट इस पॉइंट पर जाती है और फिर वापस वो ऐसी दिखाई देती है कि वो उसके अपोजिट से आ रही है, और वो फिर ट्रेवल करके हमें स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाती है वो, तो इस तरह का वो फ्रेसनल बाय प्रिज्म का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर हमें एक कोई ट्रांसपेरेंट शीट है जिसकी हमें थिकनेस मेजर करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक सोर्स के पाथ में हम एक कोई शीट रख देंगे, ट्रांसपेरेंट शीट रख देंगे जिसका हमें थिकनेस निकालना है, ठीक है। यानी S1 कोई सोर्स के रास्ते में, उसके वे में हम एक ट्रांसपेरेंट शीट रख देंगे, ठीक है। उस ट्रांसपेरेंट शीट रख देंगे तो उसकी हम जिसकी कोई थिकनेस हमने सपोज कर लिए T है, और फिर इसकी कंसिडरेशन अगर हम शुरू कर दें, फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ ए शीट बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक माइका और ग्लासेस। कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ माइका शीट बाई फ्रेसनल्स बाई प्रिज्म, तो भी उसमें सेम ही एक्सपेरिमेंट, ये सेम ही आर्टिकल लिखना है आपने, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। ग्लास शीट की भी थिकनेस आती है तो भी हमें इसी से करना है। तो इसकी कंसिडरेशन है, लेट S1 एंड S2 रिप्रेजेंट्स टू वर्चुअल कोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंसेस ऑन द स्क्रीन, कि ये हमारे S1 S2 हैं, ये आपने पीछे उसमें सीखे होंगे भाई S1 S2 कैसे क्रिएट होते हैं सिंगल सोर्स से। तो अब इसमें कह देंगे एट पॉइंट ओ सेंट्रल फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑप्टिकल पाथ S1 O एंड S2 O आर इक्वल, यानी यहाँ पर हमें जो फ्रिंजेस दिखती हैं ये S1 O और S2 O, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों से इक्वल है, ठीक है, जब तक कि हमने कोई शीट नहीं रखी है इसमें, सॉरी शीट रख दिया तब भी ये इक्वली रहेगी, क्योंकि किसी पॉइंट पर जा करके जब ही मिलेंगी वो, जब दोनों का इक्वल लेंथ होगी इनकी। आगे ही इसका जो थ्योरी में लिखना है, व्हेन ए थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एस वन, कि ये एस वन के पाथ में हमने कोई एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दी है, देन ड्यू टू वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ द लाइट इन एयर एंड मीडियम ऑफ द मटेरियल द फ्रिंज शिफ्ट अपवर्ड एज शोन इन फिगर। अब ये क्या है कि अगर ये सेम पाथ सेम है, सीट नहीं है, तो ये एक ही पॉइंट पर जाकर के किसी अन्य पॉइंट पर मिलेंगे, मान लीजिए पहले पी नॉट पॉइंट्स पर मिल रही थी, लेकिन जब हम सीट रख देंगे तो मटेरियल आया तो उस मटेरियल में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो जरूर कोई ना उसमें चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाएगी किसी दूसरी पोजीशन पे। आगे द टाइम टेकन बाय वेव फ्रॉम S2 टू P इन एयर इज सेम एज टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम S1 टू P, मिलेंगी वो एक पॉइंट पर जाकर के तभी जब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ये दोनों बराबर टाइम होंगे जब वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे। लेकिन जो S1P है, S1P है, ये कहाँ से होकर के जा रही है, ये शीट में से भी होकर के जा रही है, तो S1P
पी का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम तो इसका अलग टाइम होगा जो शीट के ड्यूरिंग में चलेगा, क्योंकि वह उसकी वेलोसिटी अलग है मटेरियल अलग होने की वजह से और एयर का अलग है। तो फिर ये एक इक्वेशन बनेगी आगे जा करके, इसको दोबारा पढ़ लेना। टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम S1 to P इन एयर इज सेम एज द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम S1P, यानी S1P और S2P टाइम दोनों का बराबर है, जबकि S1P पार्शली एयर में से जा रही है और पार्शली ट्रांसपेरेंट शीट में से जा रही है। लेट सी नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ इन एयर एंड सी बी द वेलोसिटी इन द ट्रांसपेरेंट शीट। अब ये हमने दो कंसिडरेशन कर लिए हैं कि सी वेलोसिटी अगर एयर में है तो सी नॉट है, और वेलोसिटी जब थिन शीट में है तो सी है। नेक्स्ट, अब एक इक्वेशन बनेगी। देयर फोर अभी बताया S2P अपॉन सी नॉट, यानी जो वेलोसिटी है टाइम इसका बन रहा है वो S1 to S2P अपॉन सी नॉट, यानी इसको देखो जरा एक बार, यानी S2P यानी जो इसमें से S2 to P तक जा रही है तो एयर मीडियम है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितने टाइम में हुआ, ठीक है, ये तो उतना ये हो गया इक्वेशन, उतना ही दूसरा बनेगा S1 to P का, जिसमें दो केस कौन कौन से हैं, एक थिक ट्रांसपेरेंट शीट का और एयर का। इसको देखो जरा इक्वेशन कैसे बनी है, ये इक्वेशन मेन है इसमें, यानी S2 to P अपॉन सी नॉट, यानी S2 to P तक गई है एयर में, ठीक है। उसके बाद S1 to P जो पाथ है उसमें से टी माइनस हो जाएगा। टी क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि टी की तो वेलोसिटी अलग है, ठीक है, जो उसकी थिकनेस है। तो S1P माइनस टी अपॉन सी नॉट, क्योंकि S1 to P तक एक्सेप्ट थिकनेस ऑफ शीट अपॉन वेलोसिटी इन एयर प्लस बाकी कहाँ से निकली है, वो बाकी निकली है आपकी उसमें से शीट में से, तो शीट का थिकनेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन शीट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, यानी S2 to P का जो टाइम लगा है वो ही वो किसके बराबर है, S1 to P माइनस टी अपॉन सी प्लस टी अपॉन सी, ठीक है। इसमें से S1P में से टी को क्यों माइनस हुआ है, क्योंकि वो शीट की थिकनेस को छोड़ करके है, और बाकी जो शीट का टाइम है वो T1C है। एक बार बेशक यहाँ से भी इसको आप दोबारा देख लें, क्योंकि यही एक पॉइंट है इसमें, इसी के बेसिस पर ये पूरा आर्टिकल सॉल्व हो जाना है। यानी एक ये शीट है, इसकी थिकनेस टी है, तो जब S1 to P का जो टोटल टाइम है वो कितना है, S1 to P एक्सेप्ट शीट, ये तो एयर की एयर में है इतना टाइम, तो और शीट में कितना है, टी अपॉन सी। तो ये हमारी इस तरह से इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन को इस इक्वेशन को आगे हम क्या करेंगे, सी नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से सी नॉट मल्टीप्लाई करेंगे, सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये टी अपॉन सी ऊपर यहाँ पर सी नॉट आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई हमारी S2P इक्वल टू S1P माइनस टी प्लस सी नॉट बाई सी इंटू टी, ठीक है। बट सी नॉट अपॉन सी ये क्या है, ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो सी नॉट अपॉन सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन किस में टर्न हो जाएगी, S2P इक्वल टू S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, क्लियर। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P, यानी इसको हम इधर ला सकते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, इसको आगे ले लेंगे, इसको पीछे लिख लेंगे, तो ये क्या हो गया, S2P माइनस S1P इधर जाके माइनस हो गया, इक्वल म्यू टी माइनस टी, टी कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस 1 टी हो जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये क्या हो गया कि हमारा पाथ डिफरेंस आ गया है कि S2 to P तक माइनस S1 to P, यानी S2 से P का जो डिफरेंस है और S1 P का जो डिफरेंस है वो म्यू माइनस 1 टी की टर्म में आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, थिकनेस निकालना है, हमारा एम जो यहाँ पर है वो थिकनेस मेजर करना है। इफ़ पी द पॉइंट ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाई द nth फ्रिंजिस देन द पाथ डिफरेंसेज, अगर वहाँ तक हमारी nth फ्रिंजिस बन रही हैं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एन लेमडा, यानी S2P माइनस S1P किसके बराबर हो गया, एन लेमडा के बराबर, ठीक है। अभी इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को वन को और जो अभी ये इक्वेशन बनी है टू, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एन लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू माइनस 1 टी इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी दोनों की इक्वल हो जाएगी।
तो म्यू माइनस वन टी इक्वल टू क्या हो गया एन लैम्डा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन डिस्टेंस एक्स। ये हमने पीछे बताया कि भाई एन लैम्डा कितनी फ्रिंजेस हैं उसमें, वो किसी एक एक्स डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस हैं, ये हमने उसमें पीछे बाई फ्रेशनेस बाई प्रिज्म में पढ़ा था। इफ बीटा इज द फ्रिंज विड्थ देन द डिस्टेंस एक्स थ्रू विच फ्रिंज इज शिफ्टेड इज गिवन बाई, यानी एक्स वो डिस्टेंस है जिसमें हमारी एन बीटा, बीटा क्या है एक फ्रिंज विड्थ है और एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल गया है एक्स इक्वल टू एन बीटा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी। हाँ, बीटा भी हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बीटा हम कैसे निकालते हैं, ये फ्रिंज विड्थ है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी जिसमें वेवलेंथ निकालते हैं उसमें, तो उसमें बताया भाई बीटा क्या है फ्रिंज विड्थ है, डी आपकी ऑप्टिक सोर्स से लेकर के और स्क्रीन तक का डिस्टेंस है और स्मॉल डी एस वन एस टू के बीच का डिफरेंस है। तो एक्स इक्वल टू एन बीटा था, बीटा की जगह हमारा हमने रख दिया है लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से एन लैम्डा अगर हम निकालेंगे तो एक्स अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, ये सॉरी एन लैम्डा यहाँ रहेगा तो स्मॉल डी ऊपर चला जाएगा और कैपिटल डी नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास एन लैम्डा इक्वल टू एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, इक्वेशन फोर बनेंगे। अब यहाँ से हमारे पास एन लैम्डा आ गया है और एक एन लैम्डा है हमारे पास इक्वेशन थ्री से, एक बार देख लें ये है म्यू माइनस वन टी इक्वल टू एन लैम्डा और यहाँ हमने एन लैम्डा निकाला है एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा म्यू माइनस वन टी इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। अब यहाँ से क्या आएगी इन सब वैल्यूज़ की, अब इसको हम इधर भी ले जा करके लिख सकते हैं ना इक्वेशन में, तो टी हमारा क्या हो जाएगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इंटू म्यू माइनस वन। इसके बाद टी हम निकाल सकते हैं जब अगर हमें हमारे पास वैल्यू होंगी म्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एस की कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं और डी स्मॉल डी सोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है और कैपिटल डी यानी सोर्स से लेकर के और स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, इनकी वैल्यू से हम अपना टी निकाल सकते हैं यानी थिकनेस ऑफ थिन प्लेट या ट्रांसपेरेंट शीट और माइका शीट उसका हम थिकनेस इससे निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, ये लेक्चर हमारा यहाँ हो गया है आज, इसमें हम